नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक नंबर 131, आयत नंबर 35 से 52 तक, लेसन नंबर 131, आयत 35 to 52, सूरत इब्राहिम। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब इब्राहीम ने कहा अलैहिस्सलाम, रब्बी, ऐ मेरे रब, इजाल, बना दे, हाज़ल बलदा, इस शहर को, आमिनन, अमन वाला, वजनुबनी, और दूर रख मुझे, बचा मुझे, व बनिया, और मेरे बेटों को या मेरी औलाद को, अन्नाबुदल अस्नाम, कि हम इबादत करें बुतों की। नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने तक हर तरफ मुतमद्दन दुनिया में शिर्क का दौर दौरा था। यानी जो भी उस वक्त की आबाद दुनिया थी, उसका निजाम किस पर कायम था? शिर्क पर। क्या माना इसका? हर तरफ शिर्क ही शिर्क था। यानी दुनिया में जो भी हुकूमतें थी या तरक्की याफ्ता लोग थे, उन सब ने शिर्क को अपना दीन बना रखा था, और इसका एक तसलसल कायम हो गया था। यानी बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रही थी, या लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे, इसी तरीके पे चलते चले जा रहे थे। और आपको ये तो मालूम है कि जब भी किसी मुशरिक से ये पूछा जाए कि तुम अपने शिर्क की कोई दलील लाओ, तो उनकी दलील क्या होती है? इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मते व इन्ना अला आसारिहिम लमुक्तदून, कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पे पाया है और हम भी उसी की पैरवी कर रहे हैं। तो गोया वो आंखें बंद करके अंधाधुन आबा अजदाद की पैरवी करते हैं। तो जो भी कौम या जो भी लोग आबा अजदाद के पीछे चल रहे हों बगैर दलील के, फिर उन्हें सीधी राह पे लाना बाज़ात मुश्किल होता है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस तसलसल को तोड़ने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और बच्चे को दुनिया के एक बिल्कुल गैर आबाद सहराई इलाके में, जहां किसी किस्म की कोई आबादी ना हो, वहां पर जाकर बसा दें। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ गए। तो ये दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, ये उस वक्त की दुआ है जब वो मक्का को आबाद कर रहे थे। किससे? अपने बेटे और बीवी को वहां छोड़कर। इस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम शीरखार थे, यानी दूध पीते बच्चे थे, और उनके साथ सिर्फ उनकी माँ थी, दुनिया का और कोई शख्स वहां नहीं था। तो उन्होंने इस शहर को सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बसाया था। इसीलिए वहां पर काबा बनाया गया, जो कि तौहीद का सिंबल था। ये सूरत जो कि मक्की है, तो अहले मक्का को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस शहर की तारीख को याद करा के ये बताया जा रहा है कि तुमने दोबारा से जो शिर्क का बाजार यहाँ गर्म कर रखा है, इसका कोई जवाज नहीं, इसकी कोई बुनियाद नहीं, क्योंकि मक्का को खालिसतन तौहीद के लिए बसाया गया था, आबाद किया गया था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बीवी बच्चे को छोड़ रहे थे, तो उस वक्त की ये दुआ है, वो दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, तू इस शहर को अमन वाला बना दे। अलबलद से मुराद अलबलदुल हराम है, मक्का मुअज़्ज़मा है, और यहाँ मक्का की हुर्मत की तरफ भी इशारा है। आमिनन, अमन वाला, कि वहां फसाद और किसी भी किस्म की बेहुर्मती मना है। फतह मक्का के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस रोज जमीन और आसमान बनाए, उसी रोज इस शहर को बाहुर्मत करार दिया, यानी एक तरह से अमन वाला बनाया। बस क़यामत तक अल्लाह की अता की हुई हुर्मत की वजह से ये शहर बाहुर्मत रहेगा, यानी मुअज़्ज़ज़ रहेगा, मोहतरम रहेगा, पीसफुल रहेगा, इसका अदब और एहतराम लाजिम होगा। यहाँ किसी के लिए लड़ना हलाल नहीं, यहाँ के कांटे भी ना काटे जाएं, हर चीज अमन में रहे, हत्ता के पौधे भी, कांटे तक भी। न यहाँ के शिकार को बाहर निकाला जाएगा भगा के, कि उसके पीछे दौड़ दौड़ के उन्हें मक्का की हुदूद से बाहर निकाल के वहां जाके पकड़ लिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। न यहाँ की गिरी पड़ी चीज को कोई उठाए सिवाय इस गर्ज के कि उस चीज की शनाख्त करानी हो। न यहाँ की घास काटी जाए। हजरत अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़खिर घास का नाम है, इससे मुस्तस्ना कर दे, उसको एग्जम्प्ट कर दे कि वो लोहारा और मक्का वालों के घरों में काम आती है, यानी वो उसे बखूर के तौर पे जला के उससे खुशबू का काम लेते हैं। तो फरमाया इज़खिर मुस्तस्ना है, यानी उसे काट के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह ने जिस दिन दुनिया को बनाया उसी दिन इस शहर को हुर्मत वाला बनाया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस घर के और इस शहर के लिए, यानी अल्लाह ने जब दुनिया को बनाया उस दिन से इस शहर को हुर्मत वाला बनाया। और फिर इस शहर के अमन की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी जब अपने बीवी बच्चे को यहाँ लाकर आबाद किया, और खासतौर पर दुआ की, वो जुनूबनी और मुझे बचा दूर रख। जीम नून बा इसका रूट है जंब, पहलू के लिए। वह जुनूबनी और मेरे पहलू बचा, यानी मुझे दूर रख। वो बनिया और मेरी औलाद को अन्ना अबुदल असनाम, के हम बुतों की इबादत करें, क्योंकि बुतों को छोड़ कर ही तो हम यहाँ एक तरफ आकर इबादत के लिए बैठे। रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नहुन्ना बेशक उन्होंने, यानी बुतों ने, अदललना कसीरम मिनन्नास, बहुत से लोगों को भटका दिया है, बहका दिया है, गुमराह कर दिया है, यानी लोग उनमें खो गए। अब बुत तो बेजान चीज है, बुत कैसे गुमराह कर सकते हैं किसी को, लेकिन बुतों की अट्रैक्शन और बुतों के अंदर की कशिश और उनकी परस्तिश और उनकी खबरगिरी ने लोगों को असल दीन से मुनहरिफ कर दिया। बुत क्या है? सिंबल दुनियावी रौनक और जीनत का। कभी आपने बुत देखे? उनको किस तरह बनाया गया होता है, घड़ घड़ के, यानी सिर्फ उनकी जो बनावट है वो भी एक आर्ट है। फिर उसके बाद उनको जो सजाया जाता है, ऊपर से जो कुछ पहनाया जाता है, और जितनी उनको खूबसूरत बनाया जाता है और जितने बुलंद मकाम पर रखा जाता है, वो सब इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि लोग फिर उसके पीछे नहीं देख सकते, उसके आगे नहीं देख सकते, यानी अल्लाह को फिर नहीं पहचान सकते, लोग उन्हीं के होकर रह जाते। तो कोई भी ऐसी चीज जो इंसान को अपने अंदर इतना इन्वॉल्व कर ले कि इंसान खुदा को भूल जाए, वही उसका बुत होता है। खा वो बनी इसराइल का बछड़ा हो और खा मुशरिकीन मक्का के बुत हो, या किसी और जगह के, या फिर बाकी लोग भी। कोई भी चीज, खा इंसान की औलाद हो, वालिदैन हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, उसकी जॉब हो, मालो दौलत हो, कोई भी चीज, उसका काम, उसका इस दर्जे का पैशन बन जाए कि उसकी वजह से वो खुदा की इबादत को भूल जाए, नमाज रोजा भूल जाए, जिक्र अज़कार भूल जाए, हज का फरीजा भूल जाए, सबका खैरात भूल जाए, यानी अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक भूल जाए, और उसका ओढ़ना बिछाना और दिन रात बस वही एक खास चीज बन जाए, तो वही चीज क्या है इंसान के लिए? बुत। तो इसीलिए कहते हैं कि रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन्नास, अल्लाह इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, उनकी राह गुम कर दिया, वो असल रास्ते तक नहीं पहुंच सकते, सिरात मुस्तकीम से हट गए हैं। फमन तबयानी, तो जो कोई मेरी पैरवी करे, यानी तौहीद में, फइन्नहु मिन्नी, तो बेशक वो मुझसे है, यानी मेरे दीन से है, मेरी मिल्लत में से है। वमन आसानी, और जो मेरी नाफरमानी करे, यानी मेरे इस तरीके को छोड़ दे जो खालिस सिर्फ एक अल्लाह तक जाता है, फइन्नका गफूरुर रहीम, तो बेशक तू गफूरुर रहीम है, तू चाहे तो उन्हें सजा दे और तू चाहे तो माफ कर दे, लेकिन तू गफूरुर रहीम है। मैं उनके लिए भी बद्दुआ नहीं करता, मैं उनके लिए भी दुआ ही करता हूं। एक तरह से गफूरुर रहीम होने का मतलब क्या है? कि तू माफ कर सकता है, मेहरबान है, तो उनसे भी मेहरबानी का मामला कर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में इंसानियत की किस कदर खैरख्वाही थी कि वो उनको किसी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इससे मिलती जुलती एक दुआ मांगी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़्फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुर रहीम। अगर तू उनको अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, तू ऐसा कर सकता है, और अगर तू उनको माफ कर दे तो तू जबरदस्त है, रहम करने वाला है, तू कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी अपनी उम्मत के लिए? ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए कर रहे हैं, वमन तबअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी, यानी अपनी औलाद के लिए और अपनी जनरेशन के लिए। और ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने फॉलोअर्स के लिए या अपनी जनरेशन के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पर दोनों हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, और रो रो कर ये दुआ मांगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, अगरचे तुम्हारा रब खूब जानता है, यानी अल्लाह को पता है कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांग रहे हैं, लेकिन तुम उनके पास जाओ और पूछो कि आप क्यों रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं। जिब्रील आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आपसे पूछा, तो आपने जो दुआ की थी वो जिब्रील को बताई कि मैं अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहा हूँ। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु तआला के पास वापस जाकर आपकी तरफ से जवाब पेश किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, मोहम्मद के पास वापस जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे कहो कि उम्मत के बारे में यकीनन आपको वो खुश कर देंगे और नाराज नहीं करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि तमाम अंबिया लोगों के बारे में इंतहाई दर्दमंद और खैर खा होते हैं। वो उनसे नफरत नहीं करते, उनको पनिश नहीं करते, और ना ही पनिश करने के लिए और पनिश करवाने के लिए आते। दीन इसलिए नहीं आता कि लोगों को मुसीबत में मुब्तला कर दे या लोगों को सिर्फ जहन्नम की बात सुनाता रहे। आमतौर पर लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रिलीजियस तबका है वो सिर्फ लोगों को डराता रहता है और सिर्फ आग की बात बताता। ठीक है, वो एक फैक्ट, एक हकीकत है, और जब तक जन्नत के साथ जहन्नम का जिक्र ना हो तो इंसान के अंदर एतदाल नहीं आता। कुछ चीजें इंसान शौक से करता है और कुछ खौफ से करता है। ये इंसान की फितरत, और अल्लाह से बढ़कर कौन जानता है। उसी ने जन्नत और जहन्नम को बनाया है और उसी ने खुशखबरी भी दी और डराया भी। लेकिन बात यह है कि पैगम्बरों ने सिर्फ डराया नहीं, और पैगम्बरों के बाद भी जो पैगम्बरों के वारिस हैं वो कौन होते हैं? उलमा, जिनके पास इल्म होता है और वो आगे पैगम्बरों के मिशन को लेकर चलते हैं। वैसे तो आपकी सारी उम्मत का फर्ज बनता है कि आपके मिशन को आगे लेके चले, लेकिन फिर उनमें से दर्जे होते हैं, कोई पार्ट टाइम दाई होता है, कोई फुल टाइम होता है। तो जो भी लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे वो सिर्फ डराने और धमकाने वाला ना हो, वो खुशखबरी देने वाला भी हो, और फिर वो लोगों से इंतहा दर्जे की हमदर्दी रखता हो और उनकी आखिरत के लिए फिक्र करे और उनके लिए रोए। लेकिन कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए रोते हैं या दूसरों के गम में तड़पते हैं। आज उम्मत मोहम्मद में इस कदर खुद गर्जी बढ़ गई है, इस कदर नफसा नफसी है कि सिर्फ अपनी जात की फिक्र है, या सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, या सिर्फ अपनी नस्ल की फिक्र है, और बाकी लोगों के लिए कोई दुख दर्द नहीं। तो वो जन्नत में जाते हैं या जहन्नम में। इसी रवैये ने मुसलमानों के अंदर से उस जिम्मेदारी का एहसास छीन लिया है जिसके लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत उसी वक्त हो सकते हो जब ये काम करोगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के सामने फरियाद कर रहे हैं कि यार, अब जो पैरोकार हैं वो तो हैं ही मेरे, लेकिन जो मेरे बात ना भी माने तो उनको भी माफ कर देना। फिर आगे तो अल्लाह का फैसला है ना। अब आप देखिए कि जो शख्स आपकी बात ना माने, आप उसके लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं उसके लिए? जो आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, हाँ, फिर भी आगे बढ़ के दोबारा उससे मिलेंगे? अगर कोई कहे मैं नहीं सुनता आपकी बात, मैं नहीं मानता आपकी बात, मुझे मत सुनाइए सब कुछ, तो आपने ठीक है, तुम्हें नहीं परवाह तो मुझे क्या परवाह, जाओ जहन्नम में। ये मुहावरा बना हुआ, जाओ जहन्नम में। मुसलमान ऐसा नहीं कहता कि जाओ जहन्नम में। वो जितना अपने आप को आग से बचाने की फिक्र करता है, उतना ही वो दूसरों के लिए फिक्रमंद होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मेरी उम्मत के जो गुनाहगार हैं अल्लाह तो उनको जहन्नम में भेज देना। जो तो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, और जो अच्छे नहीं हैं आप उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी क्या खैर खाही, हम अपने पैगंबर की किस सुन्नत और किस तरीके पर अमल कर रहे हैं। हमारे दिलों में इंसानियत के लिए क्या हमदर्दी, क्योंकि पैगंबरों की आमद का सिलसिला तो खत्म हो गया, अब तो जिम्मेदारी हमारी है। और हमारा आम लोगों के बारे में क्या रवैया है, हू केयर्स, लेकिन मुसलमान हू केयर्स वाली बात नहीं करता, वो फिक्रमंद होता है। वो सिर्फ फायदे समेटने वाला नहीं होता, वो फायदे देने वाला होता है। स्पेन में जब सलमान आए और उन्होंने फायदा पहुंचाया तो लोगों ने उनको वेलकम किया, लेकिन जब वो इससे कासिर हो गए और आपस में लड़ने लगे तो फिर नतीजा कुछ और निकला। तो जब तक हम दूसरों को फायदा देने वाले होंगे, दूसरों की हमदर्दी करने वाले होंगे, दुनिया में कोई शख्स नुकसान नहीं दे सकता। अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुतु फिल अर्द। लेकिन अगर नीयत बदल गई और नजर बदल गई और देने की बजाय लेने वाले बन गए तो फिर लेने वाला हाथ तो नीचे ही होता है, वो तो जलील ही होता है। सूरत इब्राहिम में भी आपने यही पढ़ा, तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, वो हर आन अपने रब के इज़्न से फल ही देता है। वो है शजरा तय्यबा, वो है मोमिन। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो सारे फल हमारे घर में रहें, हम ही बस फायदा उठाएं उससे। तो जब तक हर आन देने वाले ना बने, हर आन, और ये फल सिर्फ मादी फल नहीं, वो तो मुशरिकीन मक्का भी बहुत खैरात करते थे, वो तो हाजियों को पानी पिलाते और सत्तू देते और खाना खिलाते और खुद आपके खानदान के लोग सबकी जियाफत करते। हाशिम का लफ्ज भी इसी से निकला है कि वो शोरबे में रोटी तोड़कर सब हाजियों की जियाफत किया करते थे। ये बड़े बड़े काम तो अहले मक्का भी कर रहे थे, लेकिन ये काम भी कबूल न हुए जब तक कि क्या ना हुआ, वो असल काम ना हुआ कि खुद अल्लाह को मानो और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में तौहीद को आम करो। रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नी अस्कंतु, बेशक मैंने बसाया है, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद में से, यानी औलाद इस्माइल को, बिवादिन, एक वादी में, दो पहाड़ों के बीच की जगह, गैर ज़ी ज़रअन, जो ज़रात वाली नहीं, यानी कुछ नहीं उगाती, बिल्कुल बेआबाद है, कोई सब्जा नहीं यहाँ। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मोहतरम घर के पास, तेरे घर के पास इन सब को छोड़ दिया। रब्बना, ऐ हमारे रब, लियुकीमुस सलाता, ताकि वो नमाज कायम करें। यानी सिर्फ मक्का में नहीं बसाया, मक्का में बसाने के बाद तेरा घर भी यहाँ बनाया है, और किस लिए ये घर बनाया है, ताकि वो नमाज कायम करें, नमाज की पाबंदी रखें। औलाद को वहां बसाने का मकसद बताया जा रहा है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और इस्माइल को छोड़ गए। फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 13 साल के हुए, भागदौड़ की उम्र को पहुंचे, फलम्मा बलगा मअहु साई, तो फिर उस वक्त आकर आपने खाना काबा बनाया, और उस तामीर में इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ साथ थे। बाप बेटा दोनों ही पत्थर ढो रहे थे और घर बना रहे थे, किसका, अपना, अल्लाह का। हम सबको किस घर बनाने की फिक्र है, अपने अपने, हर एक इसी गम में है, मेरा घर नहीं, रोते हैं इसमें कभी तक घर नहीं बना, या मॉर्गेज पे लिया हुआ तो उसकी पेमेंट की फिक्र। अल्लाह का घर बनाने और उसको आबाद करने और उसके लिए दुख दर्द उठाने, इसके लिए कितने लोगों को गम हो, गम और फिक्र हो, उतना ही जितना अपना घर बनाने का फिक्र हो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मिशन कुछ और था, और वो उन्होंने आकर वहां उस वादी में कोई घर नहीं था और अपना घर नहीं बनाया, अल्लाह का घर बनाया पत्थर ढो ढो कर, और फिर उनको ला बसाया। और उसमें पूरी तारीख पीछे आप पढ़ चुके हैं, और सीरत में भी पढ़ा होगा आपने कि किस तरह एक औरत ने ये कुर्बानी दी, शौहर से दूर रहकर, बच्चे को साथ रख के। और इस घर को आबाद किया, क्योंकि जब वहां पर जमजम निकला तो फिर जुरहुम कबीला करीब से गुजरा, जब उन्होंने परिंदों को देखा, क्योंकि अरब पानी की तलाश में रहते थे और जहाँ परिंदे नजर आते वहां उनके निशान से वो पानी को ढूंढते थे जाके, यानी उस रास्ते पे चलते जिस तरफ परिंदे होते कि यहाँ पानी होगा। तो इसी तरह ढूंढते ढूंढाते वो यहाँ पर आकर आबाद हो गए और इस तरह फिर मक्का इंसानों से आबाद हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के अंदर शादी की। तो ये दूसरी दुआ जो है ये तामीर काबा के बाद की है। पहली दुआ कब की थी? जब उन्होंने लाकर बसाया था, अभी काबा नहीं बना था। फिर कई साल बाद जब काबा बना तो उस वक्त ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैंने इसलिए अपनी औलाद को यहाँ बसाया है कि ये नमाज कायम कर, दुनिया कमाने के लिए नहीं। अब भी बहुत से लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि बीवी और बच्चा कहीं और है, शौहर कहीं और। उनकी इस माइग्रेशन और सेपरेशन का मकसद और नीयत क्या होती? लियुकीमुस सलात, ताकि दीन की तबलीग हो। नहीं, हम सब अपने अपने इरादे, अपनी अपनी कोशिशें, अपनी मेहनतें, अपने प्रोग्राम हम सब समझ सकते हैं कि बहैसियत एक उम्मत की हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। जरूरी नहीं, यानी इसका यह मतलब नहीं कि अपने पास कुछ भी ना हो या अपने लिए कुछ भी ना करे, ये नहीं मतलब। मतलब ये है कि अपना तो जरूरत के तहत करे, बस जितनी जरूरत उतना कर ले, लेकिन सिर्फ अपने लिए ना जिए, वो उससे आगे के लिए जिए, वो दूसरों के लिए जिए। और फिर ऐसी माएं कितनी सेल्फ पिटी का शिकार हो जाती हैं कि जब बाप सर पे नहीं होते वो कुछ करने के काबिल नहीं रहती, इसी गम में रोती रहती, या तो कोसती रहती है बापों को सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी, या फिर कुछ और नजरिया। तो बात यह है कि ऐ रब, मैंने अपनी औलाद को यहाँ इसलिए लाके बसाया है तेरे घर के पास, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहला काम क्या किया कि वहां मस्जिद बनाई कि मेरी औलाद आइंदा मस्जिद के साथ मुंसलिक रहे, क्योंकि इकामत सलात मस्जिद के बगैर नहीं होती। मर्दों की नमाज घर में इकामत नहीं होती। इकामतें कहाँ होती? मस्जिद में ही होती। लियुकीमुस सलात फजअल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, तो बना दे लोगों के दिलों को, अफइदा फुआद की जमा, तहवी इलैहिम के इनकी तरफ माइल हो, लोगों के दिल इनकी तरफ मुश्ताक कर दे, पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये जगह बायसे कशिश बन जाए और मेरी औलाद के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे। क्योंकि सहरा था, तन्हा थे, वो घर कैसे आबाद होता अगर लोगों के दिलों में उस जगह की मोहब्बत ना होती, उन लोगों की मोहब्बत ना होती जिन्होंने उसको आबाद किया था। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत, किसी मिशन की मोहब्बत भी लोगों की मोहब्बत से गुजर कर मिलती है। क्योंकि बाज़ात हम ये कहते हैं ना कि बस सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो, ये सिर्फ दीन से मोहब्बत करो, ये सिर्फ, ये सारी चीजें क्या है इंसान को नजर नहीं आती। तो फिर क्या होता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि वो मोहब्बत कैसे हो। अल्लाह की मोहब्बत दिलाने वाले भी लोग ही होते हैं जो अल्लाह की खातिर कुर्बानी करते हैं। मस्जिद से मोहब्बत भी लोगों की मोहब्बत की वजह से होती। अगर मस्जिदों को ऐसे लोग आबाद करें जो लोगों से मोहब्बत नहीं करते तो मस्जिदें भी आबाद नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं कि मस्जिदें आबाद हो तो खुद के अंदर इतना सब्र और इतनी बर्दाश्त पैदा करें कि लोगों की तरफ से आई हुई सारी तकलीफों को सह के भी सी ना करें। और आप देखेंगे कि वही लोग जो आज आपको 100 तरह की बातें करते हैं, आपके सब्र की वजह से कल आप ही से मोहब्बत करेंगे और आपकी तरफ मायल होंगे, और जब मायल होंगे तो फिर उन घरों को आबाद करेंगे। बहुत सी मस्जिदें क्यों बेआबाद हैं? बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि मस्जिदें बेआबाद हैं, क्योंकि उसमें अपने मफादात हैं, लोगों का मफाद सामने रखकर प्रोग्राम नहीं बनते। तो हमारे ये टाइमिंग्स हैं, हम बस इतनी देर काम कर सकते हैं। जैसे कहीं और जॉब करते हैं, मस्जिद भी बस जॉब की जगह बन गई है। जैसे और जगहों पर आवर्स है, वहां भी आवर्स है, हालांकि मुसलमान के आवर्स कब शुरू होते हैं? फजर से पहले। और कब खत्म होते हैं जाकर? इशा। तो उन्होंने कितनी सही दुआ मांगी कि मैं अपनी औलाद को लाया हूं कि नमाज कायम करे, लेकिन तू मेरी औलाद की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे ताकि लोग इनसे मुलाकात के शौक में इस जगह पर आए और इनकी वजह से फिर ये जगह आबाद हो जाए। और ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती, क्योंकि आप देखें बिल्डिंग्स तो बहुत होती हैं, बड़े बड़े कैथीड्रल बने हुए हैं, बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, बहुत सी जगह हैं, लेकिन उन जगहों में तो बुत या मॉन्यूमेंट्स और ऐसी चीजें एंटीक्स वगैरह जो हैं वो अट्रैक्शन का बायस होती, इंसान नहीं होते वहां। लेकिन मस्जिदें ना तो कोई एंटीक रखती है अपने अंदर, ना बुत रखती है। वहां कौन होते हैं? उन मस्जिदों को आबाद करने वाले होते हैं, और उनका अखलाक सबसे ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए, और उनके लिए दिलों में इज्जत, अदब और एहतराम होना चाहिए, तब जाकर ये सब काम होता है। फजअल अफइदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। तहवी हवा होता है जल्द माइल होना, यानी देखते ही मोहब्बत हो जाना। एक हुब होती है ना, ये नहीं कहा कि लोगों के दिल इनसे मोहब्बत करें, वो लफ्ज भी मुराद तो है, लेकिन तहवी इलैहिम तेजी से उनकी तरफ माइल हो। कुछ लोग होते हैं ना कि उनसे आप मिलते हैं तो मिलते ही आपको गर्मजोशी का एहसास होता है और आपके दिल में खुब जाते हैं वो, फिर आपका दिल चाहता है दोबारा मिले, फिर मिले। तो जब तक मस्जिदों में ऐसे लोग ना हो कि जिनकी तरफ लोग माइल हो, तो लोग बिल्डिंग देखने कोई नहीं आएगा, ना ये म्यूजियम है और ना ही ये कोई बुतखाना कि जिसकी अट्रैक्शन लोगों को लाएगी। यहाँ किसकी अट्रैक्शन लाएगी? लोगों की अट्रैक्शन लाएगी। क्यों? इसलिए कि अभी उन्होंने खुदा को तो पहचाना ही नहीं, आम लोगों ने अभी खुदा को नहीं पहचाना, उन्हें नमाज का तो शौक ही नहीं, उन्हें दीन से तो अभी कोई मोहब्बत ही नहीं। लेकिन अगर आप उनको दीन के मरकज में लाएंगे तो वो आपकी वजह से आएंगे, आपकी वजह से। फिर जब वो आपकी वजह से आ जाए तो फिर आप पीछे हो जाए और उनको अल्लाह से जोड़ दें। आपका रोल ये है, यही रोल वो अपनी औलाद का बता रहे हैं कि यार अब यह है इस वीराने में, लोग इनकी तरफ माइल हो, और फिर ये क्या करें, लियुकीमुस्सलात, वो नमाज कायम करें। और जब वो करेंगे तो फिर जो उनकी तरफ माइल होंगे वो क्या करेंगे? वो भी यही करेंगे, वो उनको फॉलो करेंगे। ये टेक्निक आज हमको भूल गई है। नतीजा क्या है? हर जो दीन का काम करता है लोग उसकी शख्सियत को बदनाम करने लगते हैं। वो जितना भी मुखलिस हो, जितना भी दिन रात एक करे, उसको किसी न किसी तरह अब्यूज करेंगे। ये एक बहुत बड़ी शैतानी चाल है। प्रॉफिट को बदनाम करने के लिए क्या क्या किया गया, क्या मकसद है? क्योंकि जो दीन है हमारा उसमें कोई फ्लॉ नहीं, कोई खामी नहीं, किताब महफूज है, पैगंबर की सीरत महफूज है, बेहतरीन अखलाक मौजूद है, कहीं से कोई अटैक कर ही नहीं सकते, किसी चीज को वो गलत साबित कर ही नहीं सकते। तो सस्ता हथकंडा क्या है? क्या करो? पैगंबर को बदनाम कर दो, ऐसी ऐसी बातें सामने लाओ कि जिसकी वजह से लोगों के दिल में पैगंबर की मोहब्बत ना रहे। हालांकि हमारे लिए क्या है, पैगंबर की मोहब्बत ईमान का हिस्सा बना दिया गया है कि अगर कोई शख्स मोहब्बत नहीं करता अपने वालिदैन, औलाद और सारे इंसानों से ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो क्या है, उसका ईमान ही कोई नहीं, वो मोमिन ही नहीं। तो उस पर जरब लगाई गई कि आपकी शख्सियत को दागदार किया जाए। हमेशा से हेटरेट की किताबें लिखी गई, यानी ये नहीं कह सके कि कुरान की आयत जो है ये गलत साबित हो रही है, फलां चीज है या उसे, वो ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, बातिल उस पर आ ही नहीं सकता, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया, कहीं से नहीं दाखिल हो पाते। तो क्या करते, बदनाम करना शुरू कर। उसके बाद मौलवी का लफ्ज कह के सब दीन वालों को, सब दाढ़ी वालों को, सब हिजाब वालों को बदनाम। उसके बाद जो शख्स दीन का काम करने उठे उसको बदनाम, लोग उनसे मोहब्बत ना करें, उनकी बेइज्जती करें। लिहाजा आज क्या है, ये फितना इतना फैला है, खुद मुसलमानों के अंदर अपने लीडर से मोहब्बत नहीं रही, खुद मुसलमानों के अंदर अपने बड़ों से कोई ताल्लुक नहीं रहा, एतमाद ही नहीं रहा, हर जगह बेएतमादी है। कोई कुछ भी करे, कोई कदरदानी नहीं, कोई शुक्रगुजारी नहीं। नतीजा क्या है? नुकसान क्या है? किसका हो रहा है? लोगों का हो रहा है। अगर रिलीजियस लीडरशिप पर ट्रस्ट ही नहीं तो लोग क्यों आएंगे उनके पास पढ़ने, क्यों आएंगे उनके पीछे नमाज पढ़ने, क्यों सुनेंगे उनकी बात? हर एक पर एलिगेशंस। काम शुरू नहीं होता कि उनकी जात पर और उनके काम के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। और अब गैर मुस्लिम खुद नहीं करते, खुद मुसलमानों के अंदर ऐसे शागिर्द उनके मौजूद हैं कि जो बहुत खूबसूरती के साथ डिस्टॉर्ट कर रहे हैं इस्लाम की और मुसलमानों की पिक्चर को। मैं नहीं कहती कि हमारी रिलीजियस लीडरशिप जो है वो मासूम है और गुनाहों से पाक है और उनके अंदर कोई खामी नहीं, बहुत खामियां होगी, लेकिन अगर सिर्फ एक चीज की कदरदानी कर ली जाए कि ये हमें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, उनका मामला अल्लाह के साथ है, वो अच्छे हैं ये बुरे हैं, वो मोमिन है मुनाफिक है, सच्चे हैं झूठे हैं, कुछ भी, लेकिन इतना तो करते हैं ना कि वो आपको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इला अल्लाह व अमिल सालिहा, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी अच्छे काम करे। ये खूबी तो है ना, इसी की कदर कर लें जो जहां भी बैठा है। जब दुनिया का फायदा उठाना हो तो कोई कितना भी बदअखलाक हो, कैसा भी हो, हर बात उसकी सुनेंगे, हर बात मानेंगे, लेकिन दीन के मामले में अगर जरा सी किसी ने कोई डिसिप्लिन करने की कोशिश की या कोई बात कह दी तो एहसान जता के और बुरा भला कह के छोड़ेंगे। यानी किसी की मेहनत, कुर्बानी, कोशिश कुछ नजर नहीं आती। हाँ, अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो फौरन हाईलाइट कर दी जाती कि ये नहीं हो रहा और ये आप नहीं कर रहे, और वो भी सब आप ही को करना चाहिए। अगर ये पता भी हो कि ये सिर्फ वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं तो फिर ये तो अल्टरनेट कोई लाया जाए, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट वो जो एक इमेज है उसको बदनाम ना किया जाए, क्योंकि किसी मुसलमान के इमेज को खराब करने की भी इजाजत। उनको नसीहत की जाए, उनको अच्छे मशवरे दिए जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम। अगर वो जुल्म भी कर रहा है या गलत काम भी कर रहा है तो बजाय इसके कि हम अपनी मजलिसों में बैठ के उस पर तबसरा करें, हम उसी को जाके पकड़े, उसी के सराहने बैठे, उसी को याद दहानी कराएं, उसको नसीहत करें। लेकिन जब हम उसको तो कुछ भी नहीं कहते या कहते भी हैं तो सिर्फ बुरा भला ही कह देते हैं, सामने भी या पीछे भी, इस्लाह का काम नहीं करते, तो फिर हासिल कुछ नहीं होता, उससे मजीद बिगाड़ फैलता है। जैसे सूरत अत-तौबा में आप पढ़े, अल्लाह ताला फरमाते वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो जो भी कोई दीन से किसी भी तरह मुताल्लिक है तो ये नहीं कि वो फरिश्ता बन गया। हर इंसान कमजोर है, फर्ज क्या बनता है उसकी कमजोरियों की इस्लाह की जाए और जिस खैर के काम में वो लगा हुआ उसमें उसकी मदद की जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए, आइंदा जनरेशंस के लिए दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे, वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, और उन्हें फलों में से रिस्क दे दे। मक्का में फल नहीं उगते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी चीज मांग रहे हैं जो वहां है ही नहीं। नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की दुआ कर रहे हैं। कितना बड़ा विजन है उनका। ये एतमाद और ये यकीन किसका हो सकता है? ये उसी का हो सकता है जो गैर आबाद जगह पर अपनी औलाद को लाबसाए। मक्का में कोई तामीर न थी, पहली तामीर उस जमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। वहां पानी न था, उनकी वजह से वहां पानी आया। वहां फल न थे, उनकी दुआ से अल्लाह ने फल अता किए। तो जो शख्स अल्लाह की कुदरत की ये निशानियां देखता है उसका ईमान और पुख्ता होता जाता है। हम बहुत जल्द होपलेस हो जाते हैं, छोटी सी रुकावट, मुश्किल देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो होने का नहीं, छोड़ो इस काम को, बंद करो, बस इनफ। नहीं, आप इखलास और सच्ची नियत के साथ काम करते चले जाएं और फल लाना उसका, उसके फ्रूट्स अल्लाह का काम है, वो लाएगा। वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, शायद कि वो शुक्रगुजार बने। यानी इन नेमतों पर मादी हो या रूहानी, और आपने देखा होगा कि शुक्रगुजारी जो है वो गैर मामूली नेमत से आती। आम नेमतें, क्या इस वक्त जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या सांस ले रहे हैं ये नेमत है कि नहीं, लेकिन हम तो कोई शुक्रगुजार नहीं सकते हो रहे, हमें तो ख्याल भी नहीं कि हम कोई नेमत ले रहे हैं। हम सुकून से, आराम से, अमन से बैठे हुए इस वक्त। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो इंतहाई खौफ की हालत में रहते हैं हर वक्त, लेकिन हमें कोई है इस नेमत की कदर नहीं, क्योंकि हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी तरह और बहुत सी नेमतें, प्यास लगती है उठ के जाके पानी पी लेते हैं, टैप खोलते हैं बेशुमार पानी, हमें इन नेमतों की क्या कदर। लेकिन जब कोई अनयूजुअल चीज आती है ना सामने, तो फिर इंसान शुक्रगुजार होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी नेमतों की दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इनको ऐसी चीजें दिखा कि ये शुक्रगुजार रहे, जिसकी वजह से इनकी तवज्जो नेमतों की तरफ जाती रहे। वरना जो नेमत ज्यादा अरसे तक मिलने लगती है तो इंसान भूल जाता है कि ये नेमत भी है और शुक्रगुजारी भी खत्म हो जाती है। और फिर आप देखें कि औलाद की तरबियत में एक अहम चीज है औलाद को नेमतों का एहसास दिलाना और उनके अंदर शुक्र के जज्बात पैदा करना। आज आप देखिए कि हम सब कितने नाकाम है इसमें कि हमारे बच्चों को सब कुछ मयसर है, वो जो हमें मयसर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जितना हम शुक्रगुजार थे उससे कम शुक्रगुजार हैं। तो बात यह है कि हम सबको इसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी तवज्जो शुक्रगुजारी पर है, क्योंकि शुक्रगुजार इंसान की थिंकिंग पॉजिटिव होती है। कंप्लेंट्स नेगेटिव माइंड का तरीका होता है, जो मनफी सोच सोचते हैं वो हर वक्त शिकायतें करते हैं। तो जो शुक्रगुजार रहते कि शुक्र ही मिला तो सही, लेकिन हम उस पर तो नहीं रहते, हम कहते इससे आगे होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे बेहतर होना चाहिए। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नुअलिन, बेशक तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं। हमारे छुपे खुले हर हाल को तू जानता है, तेरे सामने है सब कुछ। अब छुपाने की बात क्या है, दिल की हालत। क्यों बीवी बच्चे को छोड़ रहे थे? क्योंकि आते थे अल्लाह के दिए हुए मिशन के मुताबिक, वो मिशन पूरा करते फिर जाते, फिर आते फिर जाते। तो ये जो आना और जाना होता है ये इंसान के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। तो यार अब ये सारी कुर्बानियां तो हम कर रहे हैं और हमारे दिलों का हाल भी तू जानता है, और जो हम जबान से कह रहे हैं, जो दुआएं हम कर रहे हैं और जो घर तेरा बना रहे हैं, ये भी तू जानता है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि इंसान बज़ाहिर एक चीज तैयार भी कर रहा है और अच्छी अच्छी बातें भी करता है, लेकिन उस सब के बावजूद दिल का हाल अजीब होता है, क्योंकि दिल जज्बात का मतलब है, दिल इंसान के काबू में नहीं होता। औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, शौहर की मोहब्बत बिल्कुल नेचुरल चीजें है ना, और इंसान खुशी खुशी अल्लाह के लिए छोड़े तो भी वो उसका गम नहीं जाता, उसके अंदर वो चीज मौजूद रहती। फिर बाजू का ऐसा लगता है कि शायद हम हक नहीं दे रहे, दिल हमारे उधर अटके हुए हैं, काम हम कुछ और कर रहे हैं। तो एक अजीब सी कैफियत है। मसलन इस वक्त आप क्लास में बैठे हैं, बड़े खुश हैं कि हम जनाब नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड एक गिल्ट भी हो, घर छोड़ के आए हैं, मियां नाराज है, बच्चे बैठे हैं घर, पता नहीं कुछ खाया कि नहीं। रब्बना इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नुअलिन, अल्लाह तू जानता है जो यहाँ छुपा हुआ है, जो दिलों का हाल है और जो हम ऐलान कर रहे हैं और जो कह रहे हैं और जो बता रहे हैं और जो कर रहे हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, और नहीं छुपी हुई अल्लाह पर कोई भी चीज जमीन में और ना आसमान में, कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सब उसके सामने है। आलिमुल गैबि वश्शहादा, गैब और हाजिर का जानने वाला है। किस कदर खूबसूरत अंदाज है दुआ का। यहाँ कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ अपने हाल का जिक्र कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे कि ये चाहिए वो चाहिए। अल्लाह तू जानता है जो दिल में है, जो जाहिर है, और सारी दुनिया का हाल तेरे ऊपर वाजे, और हमारी हाजतें भी तुझे पता है, हमारी मजबूरियां भी तुझे पता है, हमारी कमजोरियां भी तुझे पता है, तुझे ये पता है हमको क्या चाहिए। दुआ तो इबादत के लिए होती है, वरना अल्लाह को तो सब पता होता है, ऐलान करने की क्या जरूरत होती। चुपके चुपके दिल में भी मांग सकते, लेकिन जबान से क्यों मांगने को कहा गया? अल्लाह को पसंद है इसलिए मांगते। वरना अल्लाह को तो सब इल्म। क्योंकि बहुत से लोग ये बहस भी करते हैं ना, जब अल्लाह को पता है और दे भी बहुत सकते फिर हम क्यों मांगे, दुआ नहीं मांगना चाहते। तो वो यही कह रहे हैं तुझे तो सब पता है लेकिन हम क्यों मांगते हैं, क्योंकि मांगना तुझे पसंद है, तू तो मांगे बगैर भी देता है। हमने अपनी जिंदगी मांगी थी, हमने अपनी आंखें मांगी थी, हमने अपने कान मांगे थे, बिन मांगे सब कुछ दिया है उसने, और आइंदा भी वो बिन मांगे दे सकता है। लेकिन उसी ने कहा है कि मांगो, तुम्हारा मांगना मुझे पसंद है इसलिए मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए सब तारीफ जिसने मुझे अता किया बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक को। इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 99 इयर्स ओल्ड थे, अलल किबर बिल्कुल बूढ़े हो चुके, और इसहाक अलैहिस्सलाम उस वक्त जब आपकी उम्र 112 साल, दोनों में 13 साल का फर्क था। इसहाक छोटे थे, इस्माइल बड़े थे, क्योंकि सारा से औलाद नहीं थी। फिर एक खास मौके पर जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने के लिए फरिश्ते आए तो उस वक्त हजरत सारा को औलाद की बशारत दी गई, और उससे पहले हाजरा और इस्माइल मक्का में रहते थे। इन्न रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है, वो दुआएं सुनता है। अब देखिए कि अगर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो, मसलन औलाद ही की कमी, तो हमारा अल्लाह से कितना भरोसा उठता जाता है, तो हमारी दुआएं तो नहीं सुनी जाएंगी। और फिर जिंदगी के हर चीज में से इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, कोई एक चीज भी कम हो जिंदगी में, फिर हमारे इबादत में दिल नहीं लगता, हम उसी गम में घुले चले जाते हैं, ये क्यों नहीं है हमारे पास जबकि सबके पास है। कोई भी चीज जो हमारे पास ना हो, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को किसी न किसी कमी का शिकार रखा है, सबको 100% नहीं मिला। और ये इसीलिए ताकि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता रहे। आपने देखा होगा कुछ दुआएं आपकी ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप सोचते नहीं तो उससे पहले पूरी हुई होती, आपकी तमन्ना अभी उठती है कि उससे पहले आपको वो मिल जाती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप मांग मांग के मांगते और आपको नहीं मिलती। तो फिर आप सोचते हैं क्या वजह है, वैसे तो अल्लाह ताला मुझे हर चीज देता है, ये क्यों नहीं देता। तो ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। बहुत कुछ बिन मांगे दिया, बहुत कुछ मांगते ही मिल जाता है, और कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो बड़ी देर से मिलती, लंबे इंतजार के बाद हाथ आती। अब इतनी देर इंसान क्या करे, रंजो गम का शिकार रहे, कुछ ना करे कि अपना काम करता रहे। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ये जिद लगा के बैठ जाते कि अल्लाह इतने साल हो गए अभी तक तो मेरे बच्चे ही नहीं है, तो मैं मेरा क्या बनेगा, मेरे बुढ़ापे मेरे मुझे कौन लुक आफ्टर करेगा, और मैंने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि माँ बाप को, घर बार, वतन सब कुछ छोड़ा, जब उन्हें आग में फेंका गया था और उसके बाद निकाल दिया गया था, अब आगे अगर मेरे पास कुछ नहीं तो फिर तो इस मिशन को कोई चलाने वाले ने, मैं दुनिया में तन तन्हा हूं, तो क्या करना ये सब कुछ इतनी मेहनत करके, बात खत्म। लेकिन थ्रू आउट द ईयर्स वो अकेले अपना काम करते रहे, और एक वक्त आया कि अल्लाह ने औलाद भी दी, और फिर वो यकीनन अपने दिल की बात को जाहिर करते कि इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। और इसमें सबके लिए एक खूबसूरत मैसेज है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। जब कभी दिल में ये ख्याल आए कि मेरी तो नहीं कबूल होगी, मेरी दुआ नहीं कबूल होने वाली, कितनी दफा शैतान ही वसवसा डालता है, तो फौरन ये जुमला दोहराया करें, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब यकीनन दुआ सुनने वाला है, जरूर सुनेगा, वही तो है सब कुछ देने वाला। ये अलग बात है कि हर चीज का एक वक्त होता है, और इस पर वो शुक्र अदा करते हैं कि बुढ़ापे में मिली लेकिन मिली तो सही। अब औलाद के लिए दुआ है, रब जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद में से भी। सिर्फ अपने लिए नहीं, औलाद की हिदायत के लिए भी दुआ कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नमाज की फिक्र है। पीछे भी आप देखें युकीम अस्सलात की बात, यहाँ भी मुकीम अस्सलात की बात। उन्हें यह फिक्र नहीं कि बच्चे खाएंगे कहाँ से, उनका घर है या नहीं, मैंने काबा तो बना दिया, साथ अपना भी कुछ कर लेता, कोई फिक्र नहीं, कुछ ना कुछ ठिकाना तो होगा ही, आखिर रहने के लिए इंसान को सर छुपाने की जगह तो होती, लेकिन वो जिंदगी का मकसद नहीं बन जाता। आज हम लोगों की जिंदगी का मकसद बन गया है बस घर बनाना, शादी, बच्चे, ये सब पर्पस ऑफ लाइफ बन गया, जबकि ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं, ये तो नेसेसिटीज है, ये नीड्स है जिंदगी की, और साथ साथ पूरी होती रहती हैं। और अगर इनमें से कुछ कमी बेशी रह भी जाए तो भी जिंदगी गुजर सकती, लेकिन एनिमल्स के लेवल पर जिंदगी गुजार के पर्पस लेस लाइफ गुजार के दुनिया से जाना ये इंसानियत के खिलाफ है। फिर वो कहते हैं रब्बना व तकब्बल दुआ, ऐ हमारे रब और तू दुआ कबूल कर ले, यानी तू दुआ कबूल करने वाला है, तूने औलाद दी, अब इस औलाद को हिदायत पे कायम रख, ये चाहिए। रब्बना अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे, व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन और मोमिनों को बख्श दे, यौम जिस दिन यक़ूमुल हिसाब हिसाब के लिए लोग खड़े हों, यह हिसाब कायम हो। अब आप देखिए कि दुआओं में क्या मांगते हैं, उसकी तरतीब आप देखिए। सबसे पहले अमन मांगते हैं, तौहीद पर कायम रहने की दुआ मांगते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जब तक अमन ना हो कहीं इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन, सबसे पहली चीज है अमन, पीस। फिर उसके बाद एक रब की इबादत, फिर उसके बाद औलाद की हिदायत और नमाज पे कायम रहने की दुआ, लियुकीमुस सलात। फिर औलाद ही के लिए लोगों की मोहब्बत की दुआ, फिर उनके लिए रिस्क का, रिस्क की बात ये नंबर 3 पे आ रही है। देख रहे हैं हमारी तरकीब क्या होती है दुआ मांगने, पहले फल, अगर हम मांगते तो पहले फल मांगते, रिस्क मांगते, फिर उसके बाद लोगों की तरफ से कोई मसले मसाइल ना तो उनका हल मांगते कि फलां को हिदायत दे, फलां को दे, और नमाज शायद उसको भूल ही जाते इबादत की बात तक। हम हर रोज दुआएं मांगते हैं ना, नमाज के बाद मांगते हैं, कबूलियत के वक्त की दुआएं मांगते हैं। तो तरतीब देखिए क्या है, किस कदर विजनरी थे, कितनी बड़ी सोच थी, सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत पहले। रब्बना लियुकीमुस सलात, और फिर जब औलाद के लिए लोगों की तवज्जो मांगी तो भी किस लिए, ताकि ये भी कायम रहे और वो भी इनकी तरफ आकर इनके साथ इस नेक काम में शरीक हो, और फिर यह कि खाने पीने को भी हो। फिर अपने दिल की हालत, फिर जो औलाद मिली उस पर शुक्र गुजारी, फिर दोबारा नमाज कायम करने की दुआ, और आखिर में बख्शिश की दुआ कि मरने के बाद जब हिसाब कायम होगा तो उस रोज हमें तेरी बख्शिश चाहिए। और फिर आप देखें कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए भी और वालिदैन के लिए भी, और सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं, सब मोमिनों के लिए। औलाद की तो चुके पहले मांग चुके थे, इसलिए यहाँ औलाद शामिल नहीं है। देख रहे हैं आयत 41, रब्बना फिर ली, किसके लिए है दुआ, अपने लिए, वली वालिदैया वलिल मोमिनीना, ठीक, औलाद यहाँ क्यों नहीं, पहले हो चुकी, और मोमिनीन में सभी शामिल है। इनका सवाल यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया गया था कि वालिदैन के लिए दुआ नहीं करनी, तो उन्होंने क्यों की, क्योंकि वो मुशरिक थे। इस बात की 2 तावीलें की जाती हैं कि उन्होंने वालिदैन के लिए क्यों दुआ की। नंबर 1, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद आदम और हव्वा है, क्योंकि अपने वालिदैन तो मुशरिक थे, लेकिन वालिदैन की जगह पर अगर अपने माँ बाप ना तो कोई फिगर तो होता है ना, या नहीं। जिन बच्चों के अपने माँ बाप नहीं होते तो उनके लिए कभी नाना नानी दादा दादी वालिदैन की जगह पर होते, या कुछ चाचा चाची या कोई और। बाज़ात अपने माँ बाप दूर कर देते हैं तो कोई और इस्लामी माँ बाप होते हैं, यानी दीनी माँ बाप हो सकते हैं। दूसरा ये माना बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। इसका जिक्र सूरत अत-तौबा की आयत 114 में आता है, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लि अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याहु फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ वादे की वजह से थी जो उन्होंने उससे किया था, तो वो वादा पूरा कर रहे हैं यहाँ। और जब उनको वाजे हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है, तो फिर उससे पीछे हट गए, फिर आइंदा नहीं दुआ की। एक बार इस वजह से दुआ की कि वादा किया था, वादा पूरा करने को। और एक और बात ये भी है ना कि पैगंबर हमारे लिए उसवा हसना होते हैं, जिस तरह वो काम करते हैं एक मिसाल सामने होती कि एक शख्स को क्या क्या दुआ करनी चाहिए, किस किस के लिए दुआ करनी चाहिए। आज हम सब अपनी दुआओं में, नमाजों में यही दुआ पढ़ते हैं वालिदैन के लिए। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। वला तहसबन्न, और तुम न ख्याल करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आपको तसल्ली दी जा रही है। किस बारे में? क्या गुमान और ख्याल कि अल्लाह गाफिल है उन सब हरकतों से, उन सब कामों से जो ये जालिम कर रहे हैं। कुफार मक्का की तरफ इशारा कि शिर्क पर डट के, अड़ के, जुल्म करके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके जो कुछ ये सब कर रहे हैं अल्लाह की नजर में है, अल्लाह इससे गाफिल नहीं। बस सिर्फ इतनी बात है कि अल्लाह इनको मोहलत दे रहा है, इनको वक्त दे रहा है, शायद ये संभल जाए। इन्नमा युअख्खिरुहुम, बेशक वो उन्हें मोहलत दे रहा है, रेस्पाइट दे रहा है। लियौमिन, उस दिन के लिए, तशखसु फीहिल अब्सार, खुली की खुली रह जाएंगी उसमें निगाहें, आंखें, खौफ की शिद्दत से। यानी अल्लाह अगर इन्हें दुनिया में नहीं पकड़ रहा और दुनिया में अजाब नहीं दे रहा तो क़यामत के दिन इनकी शामत आने वाली, और वो दिन होगा जब इनकी आंखें खुली रह जाएंगी। तशखस, शखूस कहते हैं आंखों के खुला रहने को, इसी से लफ्ज शख्स निकला। उर्दू में लफ्ज बोलते हैं ना आप, शख्स, फला शख्स, तो शख्स कहते हैं इंसान को जिसकी आंखें खुली हुई होती है। और तशखसों का माना दूर की चीज पर नजर जमाने के लिए भी आता है, क्योंकि जब हम दूर देखते हैं, आप तो कैसे देखा जाता है, जब तक वो पढ़ना लिया जाए तो टिकटिकी लगा के आंख खुली रखी जाती है। और उसमें क्या होता है कि आंखों की जो पुतलियां होती है वो भी फैल जाती है। खौफ की हालत में भी यही सिस्टम काम करता है। जैसे दूर की चीज देखते वक्त हमारी आंख जिस तरह काम करती है ना, तो खौफ में भी इंसान की आंख का यही हाल होता है। और ये खुद ब खुद होता है क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो इसी तरह काम करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप ये ना सोचें कि अल्लाह ताला को पता नहीं है जो कुछ कर रहे हैं इसलिए इनकी पकड़ नहीं हो रही, सब कुछ पता है, सिर्फ ये कि वक्त दिया जा रहा है। आज भी ये सवाल बहुत होता है ना कि अल्लाह है, अगर है तो फिर वो फलां जगह जुल्म क्यों हो रहा है और फलां लोग जुल्म की चक्के में पिस रहे हैं, फलां को खाना नहीं मिल रहा, अगर वो है और वो मर्सीफुल है तो फिर दुनिया का ये हाल तो ना होता। बहुत से लोग जो एथियस्ट हैं वो ये दलील के तौर पर ये बात लाते हैं कि दुनिया का कोई खुदा नहीं, क्योंकि अगर होता तो दुनिया का ये हाल ना होता, वो जरूर मुदाखलत करके सब ठीक कर देता। कभी सुनिए बात, बहुत आम बात है ये। वो तो उनकी पैरवी में बहुत कुछ करते हैं ना, फिर तो हम किस चीज की पैदावार है? अपने माहौल की। जो किसी से सुनते सोचते समझते थोड़ी हम भी वही दोहराने लगते हैं, क्योंकि सही इल्म तो है नहीं कि छाने कि क्या सही और क्या गलत है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है और इसके लिए इंसान को आजादी दी है कि अच्छा करना चाहो तो अच्छा कर लो और बुरा करना चाहते हो तो बुरा कर लो। जुल्म करते हो तो उसकी भी कुछ आजादी दी, क्योंकि अगर आजादी ना दी जाती तो फिर इम्तिहान किस चीज का? अगर अल्लाह ताला हर जगह मुदाखलत ही करता रहता कि अच्छा इसने ये किया पकड़ो इसको, उसने किया पकड़ो फौरन इसको, तो फिर तो दुनिया ही अदालत बन जाती। तो अदालत तो कल लगेगी ना, फैसला तो कल होगा। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, वो दिन जल्द आने वाला है जब इनकी पकड़ होगी, जब इनकी शामत आएगी और इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, मुहते ही ना, तेजी से भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। और मुहते का लफ्ज जो है ना एहता से है। हता का माना होता है किसी चीज पे टिकटिकी बांध कर, मुती होकर आगे की तरफ दौड़ना, या आजी और जिल्लत की वजह से नजर ना उठाना, बुलाने वाले की तरफ खामोशी से चले जाना। मुकनेई, अपने सर उठाए हुए होंगे, रुऊसिहिम, अपने सरों को, मुकने किन उनसे है, उठाने वाले, जब इंसान अपना सर ऊंचा करता है, क्योंकि दूर की चीज देखने के लिए इंसान को सर ऊंचा करना पड़ता है। अगर नीचे देखेंगे तो दूर की चीज नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपका एंगल बहुत छोटा रह जाएगा। तो आप देखें कि ये कैफियत इंसान की कब होती है? जब आप या तो फ्लाइट पे हो तो आप दूर की चीजों को देख रहे होते हैं, या फिर फाइट में हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो उस वक्त इंसान की आंखें खुली भी होती हैं और एक और तरह की कैफियत होती है। या फिर प्राइड में हो, खौफ की हालत हो, तो मुहते ही ना, मुक नहीं, रूस, ये सब कुछ होगा उस दिन। इंसान दौड़े चले जा रहे होंगे, खौफ में होंगे, और जिधर से आवाज आ रही होगी सूर फूंकने की, उधर को सब भाग रहे होंगे, स्टैम्पीड होगी एक तरह से। लाई और तद्दू इलैहिम तरफुहुम, न पलटेगी उनकी तरफ उनकी आंख, यानी आंख पलटेगी नहीं, मतलब ये कि पलक झपकेंगे नहीं। वह अफइदतहुम हवा, और उनके दिल खाली होंगे, हवा होंगे, यानी घबराहट का शिकार होंगे, हर चीज से बेनियाज हो जाएंगे। दिल का खाली होने का मतलब क्या है? कि उन्हें कोई बात याद ना रहेगी और सिर्फ खौफ ही खौफ उसके अंदर होगा। वैसे तो दिल कभी खाली नहीं हुआ ना, ये होता है। आप कह सकते हैं अच्छा इस वक्त मेरे दिल में कोई भी ख्याल नहीं, कह सकते? कभी नहीं कह सकते। लेकिन जब आप फारिग होते हैं तो बहुत से ख्यालों की खिचड़ी पकी हुई है। फिर कोई वक्त ऐसा होता है कि जब आप आधा कंसंट्रेट कर रहे थे और आधे ख्याल आ रहे होते हैं, जैसे इस वक्त थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ी और बातें याद कर रहे हैं। तो ये इंसान की हालतें हैं मुख्तलिफ। आप कैजुअल हैं, कोई फिक्र नहीं, आप इधर की बातें सोच रहे हैं, उधर की सोच रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा किसी चीज पे तवज्जो दे रहे हैं, कोई जरा अहम काम है तो थोड़ी तवज्जो और हो जाएगी और है। लेकिन जब खौफ होता है तो दिल खाली हो जाते हैं, किससे? हर फिक्र से। यही कैफियत यहाँ बताई जा रही है। वह अफइदतहुम हवा, कुछ याद नहीं रहेगा, न बीवी न बच्चे, हर एक को इंसान भूल के सिर्फ उस आवाज के पीछे जा रहा होगा। सूरह ताहा में भी आता है, यौमइज़ यत्तबिऊन अद्दाइय ला इवजा लहू व खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमान। उस दिन लोग पुकारने वाले की पुकार को फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें कोई टेढ़ न होगी, और आवाजें रहमान के लिए दब जाएंगी। इसी तरह सूरत अल-कमर में आता है, मुहतईन इला दाई, सर उठा के लोग सूर की आवाज की तरफ दौड़े चले जा रहे होंगे, कुछ याद नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आपस में बातें करें। बाज़ वक़्त तो होता है ना, भागते दौड़ते चलते हुए भी आप वॉक टॉक कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दुनिया में बहुत से लोग बड़े बहादुर बने हुए होते हैं, वहां सबकी बहादुरियां भी जाती रहेंगी, और जो एक अपनी बड़ाई का जोम होता है वो भी खत्म हो जाएगा। सब अल्लाह के आगे झुके हुए होंगे, सब सरेंडर कर देंगे। वो अन्नास यौम यातीहिमुल अज़ाब, और इन लोगों को उस दिन से डराओ जिस दिन इनके पास अजाब आएगा, यानी इनकी मौत का दिन। फयकूल लदीन ज़लमू, तो वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो कहेंगे, यानी कुफर, शिरक और गुनाह के काम, रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, ऐ हमारे रब हमें करीब की मुद्दत तक ताखीर दे, मोहलत दे, थोड़ा वक्त और दे दे। अब देखे कि आदमी इतना गाफिल है, इतना लाइल्म है कि उसे एक दिन पहले क्या एक घंटा पहले तक बाज़ औक़ात अपने अंजाम का एहसास नहीं होता कि वो मरने को जा रहा है। होता है ना ऐसे, जैसे हार्ट अटैक होता है बाज़ लोगों को, उसमें डेथ हो जाती, तो बाद में लोग कहानियां बताते रहते हैं, वो काम पर गए, वो काम से आए, वो बैठे, वो उठे, वो खाए, वो पिए, वो लेटे, वो सोए, वो जागे, उन्होंने ये कहा, वो कहा। तो फिर क्या होता है? यकायक सांस उखड़ने लगती। तो ये लोग जो गाफिल हैं, जिन्हें अपने अंजाम की खबर नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप इनको उस दिन से खबरदार करें, इनको बताएं कि इनके पास एक दिन आने वाला है, जिस दिन ये तमन्ना करेंगे कि काश हमें थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए। अखिरना इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ा सा वक्त और दे दे। आज आप देखें वक्त की कदर नहीं करते, गफलत में गंवा देते हैं, और समझते हैं ऐसे ही जिंदा रहेंगे, रोज ऐसे ही चलता रहेगा, सुबह होगी शाम होगी फिर सुबह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुबह हो तो शाम का इंतजार ना करो, शाम हो तो सुबह का इंतजार ना करो, हर दम तैयार रहो। लेकिन इंसान इसी चीज को सबसे ज्यादा भुलाए हुए है। उस वक्त इंसान क्या कहेगा? नुजिब दावतक, हम तेरी दावत को कबूल करते हैं, यानी शैतान की बजाय तेरी बात मानते हैं, वनत्तबिउर-रुसुल, और हम तेरे रसूलों की पैरवी करेंगे। अब हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, अब हम बाकी सब लोगों को छोड़कर सिर्फ तेरे प्रॉफिट्स की पैरवी करेंगे। तो उस वक्त क्या कहा जाएगा कि ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली और जाओ एक मोहलत और एक चांस और अब अच्छे बन के आ जाओ? नो वे। अवलम तकूनु अक़समतुम, क्या तुम वही लोग नहीं जो कस्बे खाते थे बिन कबल, इससे पहले, मालकुम मिन ज़वाल, कि तुम्हें कोई जवाल ना होगा, कि तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। ज़वाल का क्या मतलब होता है? किसी चीज का अपना सही रुख छोड़कर दूसरी तरफ माइल हो जाना, अपनी जगह से हट जाना, दुनियावी जाहो जलाल का खत्म होना, मालो दौलत कम होना। तुम समझते थे कि तुम इसी तरह आन बान के साथ दुनिया में ठाट से रहोगे, ये सब खत्म होने वाला नहीं। तुम अपने घरों पे बड़े राजी थे, अपनी दुनिया में बड़े मगन थे। और ये हकीकत है कि हर इंसान दुनिया बनाने की फिक्र में लगा रहता है, ताकि मौत आके नॉक कर देती है और चल पड़ता है, घर बार सब बीवी बच्चों के लिए छोड़ जाता है और खुद उस ठंडी अंधेरी कब्र में जा सोता है। सारी जिंदगी जो कुछ बनाया कमाया वो दूसरों को दे दिया और खुद कहीं और चला गया। लेकिन जब इंसान बना रहा होता है, कमा रहा होता है, लगा रहा होता है, तो सोचता है वो खुद ही सब कुछ देखेगा और फायदा उठाएगा। और हर मरने वाला हसरत से मरता है, काश थोड़ा वक्त और मिल जाता तो मैं ये और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेता। कितनी नियतें बांधते और तोड़ते हैं, कितने ही इरादे रखते हैं, लेकिन कितने काम मुकम्मल करते हैं? कुछ भी तो नहीं। तो बात यह है कि बाज़ औक़ात इंसान जब दुनिया में मगन होता है तो इंसान यकीनी तौर पर यह समझता है कि उसको सवाल नहीं आएगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब देखें कि जब हम अच्छे दिनों में होते हैं तो हमें याद आता है कि हमने ये सब छोड़ना है और या विड्रॉ करें इन चीजों से और कुछ और करें। इतने इन्वॉल्व और मगन होते हैं अपनी दुनिया के चमकाने बसाने में कि कुछ और चीज के हम हर वक्त ये कहते हैं वी डोंट हैव टाइम। इधर अभी टाइम तुम्हारा किस चीज में लगे हुए हो? अगर अल्लाह के लिए टाइम नहीं, दूसरों के हमेशा मौत पर सोचते, अच्छा उसके साथ ये हुआ, उसके पास। लेकिन इंसान जब मरेगा तो क्या कहेगा? लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक व अकुन मिनस सालिहीन, कि काश तू मुझे थोड़ा वक्त और देता कि मैं सदका कर लेता, जरा नेक बन जाता तो फिर मरता। क्योंकि नेक बनने के लिए हमने बुढ़ापा रखा हुआ है ना, तो सारे तो नहीं बूढ़े को मरेंगे। और सारी जिंदगी अगर आते पुख्ता हो गई दुनिया की मोहब्बत में तो क्या ख्याल है बुढ़ापे में कोई मुआवजा हो जाएगा? तो यका यका आपको आखिरत की मोहब्बत लग जाएगी। जो लोग जवानी में दुनिया से मोहब्बत करते हैं उनकी बुढ़ापे में भी मैंने देखा है दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, वो अल्लाह की तरफ यकसू होता ही नहीं। वो बार बार पलट पलट के औलाद के मामलों में दखल, उसके मामले में दखल, उसके मामले में समझते हैं कि हुकूमत हमारी बरकरार रहे हर चीज पर, दम नहीं लेने देते किसी को। तो तुम तो लंबी उम्मीदें बांधे हुए थे। वो सकन तुम फी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू, और तुम बसते रहे उन्हीं लोगों के घरों में जिन्होंने जुल्म किया, यानी अपने आबा व अजदाद ही के घरों में और उन्हीं बस्तियों में रहते रहे। आद व समूद की तरफ इशारा है कि वो तुम्हारे पास थे निशान रेमिनेंट्स, जिनको देखकर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया। वो तबय्यन लकुम, और तुम पे वाज़े हो गया था इन आसार से, कई फ़अल्ना बिहिम, कि हमने इनके साथ क्या किया, यानी पिछली कौमों के साथ हमने क्या सलूक किया। वो दरबना लकुमुल अम्साल, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान की, पिछली कौमों के मिसाल को भी बतौर इबरत बयान किया और तुम्हें भी सब कुछ बताया, लेकिन तुमने कुछ फायदा न उठाया। सूरत अल-कमर में आता है हिकमतुन बालिगतुन फमा तुगनिन नुदुर, कामिल हिकमत और विजडम की बातें थी जो तुमको बताई गई और डराया भी गया, किसी चीज ने फायदा न दिया, ना समझाने ने, नसीहत ने, और न डरावे ने। तुम अपनी ही दुनिया में मगन रहे। वक़द मकरू मकरहुम, और पैगंबरों का मुकाबला कैसे किया? चालें चल के, उनको धोखा देके। व इंदल्लाहि मकरुहुम, और अल्लाह के पास है उनकी चालें, लिखी हुई है सब, क्या क्या किया उन्होंने। व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, और बेशक उनकी चालें ऐसी थी कि उनसे पहाड़ टल जाएं। इन यहाँ दो मानों में इस्तेमाल हुआ है, इनका माना नहीं और इनका माना बेशक, क्योंकि इन दोनों तरह इस्तेमाल होता। अगर हम नहीं के मानों में, नहीं थी उनकी चालें कि उससे पहाड़ टल जाते, यानी उन्होंने एक हद तक की मुखालफत की, इससे ज्यादा उनके बस में न था। और दूसरा माना क्या कि उनकी चालें बड़ी जबरदस्त थी कि जिससे पहाड़ भी टल गए, लेकिन इतनी ताकत रखने वाले भी अल्लाह का मुकाबला न कर सके। इससे क्या सबक निकलता है, क्या बात पता चलती है कि हक की मुखालफत ना करो, अल्लाह की बात मान लो। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है, ऐसे बड़े बड़े एटम बम हैं कि जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर दें और वो अपनी जगह से हट जाएं, तो भी ये मत समझो कि ये बड़ी ताकत तुम्हें खुदा के मुकाबले में काम आएगी। फला तहसबन्नल्लाह मुख्लिफ वादिही रसूला, और न तुम समझो कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ करने वाला है जो उसने अपने रसूलों से किया। कौन सा वादा किया है रसूलों से? अल्लाह ने अपने रसूलों से हमेशा क्या वादा किया है? कि तुम्हारी ही कामयाबी होगी, तुम्हारी मदद की जाएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप ये ना सोचें कि आपकी मदद नहीं की जाएगी। आज अगर आपका दुश्मन बहुत पावरफुल भी है तो भी कामयाबी आपके लिए है। कुरान पाक में आता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू माहु, यकीनन हम अपने रसूलों की मदद जरूर करेंगे और ईमान वालों की भी। एक और जगह पर आता है कतबल्लाहु, अल्लाह ने लिख दिया है लअग़लिबन्ना अना व रसूली, कि मैं और मेरे रसूल जरूर गालिब आएंगे। पीछे इसी सूरत में आप पढ़ चुके हैं लनुहलिकन्न ज़ालिमीन व लनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, कि जालिमों को हलाक कर देंगे और जमीन में इसके बाद तुम्हें आबाद करेंगे। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, बेशक अल्लाह जबरदस्त है, इंतकाम लेने वाला है। यानी अपने दुश्मनों पर गालिब है और अपने दोस्तों का दुश्मनों से बदला लेके रहेगा। जो लोग पैगंबरों को सताएंगे उनकी पकड़ होकर रहेगी। यौम तुबद्दलुल अर्द, ये सब कब होगा? जिस दिन जमीन बदल दी जाएगी, गैरुल अर्द, इस जमीन के अलावा। वस्समावात, और आसमानों में भी तब्दीली हो जाएगी। न ये जमीन जमीन रहेगी, ना आसमान आसमान रहेगा। जमीन का हाल भी तब्दील हो जाएगा और आसमान का हाल भी। और कुरान पाक में इसकी बहुत तफसीलात मिलती है। एक जगह आता फइज़ाहुम बिस्साहिरा, खुले मैदान में होंगे लोग। हदीस में आता है जमीन क़यामत के दिन कैसी होगी? सफेद शफाफ, मैदे की सफेद टिकिया की तरह, जैसे रोटी बनाते ना, बिल्कुल सफेद सुर्खी मायल, यानी हल्का सा शेड उसके अंदर सुर्खी की तरफ होगा मायल, और उसके अंदर कोई भी टेढ़ ना होगी, बिल्कुल स्पाट सफेद गोल टिकिया। क्योंकि जमीन बाजार क्या है, अगर जो ओवल तेल में करिए कि रोटी भी तो लंबी हो ही जाती है। तो अब आप देखें कि हदीस में ये बात आ चुकी है 1400 साल पहले, जब लोग समझते थे कि जमीन जो है वो चौकोर है या टिकी हुई या बसी हुई। तो क़यामत के दिन गोल जमीन होगी, जैसे किसी ने बहुत बड़ी रोटी बना के सफेद छोड़ दी हो। वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और सब लोग अल्लाह के सामने बिल्कुल बेनकाब होके अया होके खड़े होंगे, कोई किसी के पीछे छुप नहीं सकेगा। बरज़ू का मतलब है कि बिल्कुल सामने आएंगे। एक होता है ना बहुत बड़ा क्राउड हो, हुजूम हो, तो कुछ लोग के पीछे हो जाते हैं, नजर नहीं आते। ये इंसानों के लिए तो है, अल्लाह के लिए नहीं। खुसूसन ऊपर से अल्लाह ताला उनको देखेगा तो एक एक शख्स अपनी अपनी जगह पूरी तरह नजर आएगा, क्योंकि किस हाल में उठा है। अल-वाहिद, एक, अल-क़हार, जबरदस्त। उसी क्राउड में हम भी होंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, बिल्कुल सामने अल्लाह के। इस वक्त जमीन पे सब्जा भी, आप जरा बाहर निकले ना कभी, आजकल समर में सभी निकल रहे हैं, कहीं दरख्त हैं, कहीं पहाड़ हैं, कभी जमीन नीची है, कहीं ऊपर है, कहीं टीले हैं, कहीं कुछ है, कहीं पानी है, कहीं खुश्की है, कहीं। लेकिन वहां ये सब कुछ खत्म करके बिल्कुल जैसे सफेद पेंट कर दिया हो किसी ने, एक फर्श हो जाएगा। इसी तरह आसमान के रंग भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। वर्दतन का देहान का लफ्ज आता है, सुर्ख हो जाएगा आसमान। इसीलिए जमीन पे शायद फिर उसी का शेड आएगा, अल्लाह आलम। तो अल्लाह ताला की दो सिफात का जिक्र है, वाहिद और क़हार, बहुत ही गालिब। काहिर से मुबालगा का सीगा, क़हार। वो तरल मुजरिमीना, और तुम देखोगे मुजरिमों को कि उनका हाल क्या होगा। यौमा इज़िन, उस दिन, मुकर्रमीना, बांधे हुए होंगे, फिल अस्फाद, हथकड़ियों में, बेड़ियों में। अस्फाद जो है सफद की जमा है, लोहे का तार या जंजीरें जिससे कैदियों को जकड़ा जाता है। और कर्रना का माना होता है एक चीज को दूसरी के साथ बांधना और मिलाना, बाहम कस के मजबूत बांधना। आज आप देखें कि इंसान क्या समझता है कि जैसे वो खुशकी का भी मालिक है और तरी का भी, और पानी पे भी उसका कंट्रोल है, हवा को कंट्रोल कर सकता है, फजा को, जहाज उसी वक्त चलते ना जब इंसान हवा को मुसखर कर लेता है। ये सब कुछ इंसान के कंट्रोल में कब तक है? जब तक अल्लाह ने उसको मोहलत दी है और ये सब चीजें इंसान के लिए मुसखर की गई। पीछे आते हैं, आगे भी सूरत आ रही है, सखर अलकुमुल लैल वन नहार, सखर अलकुमुल अनहार, शम्स वल कमर, सब चीजें अल्लाह ने इंसान के काम में लगा दी कि इंसान की खिदमत करें। तो इंसान समझता है कि वो इनका मालिक हो गया, वो इन सब चीजों को कंट्रोल में रखे हुए है। अब देखे ना इस वक्त इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली, पानी को कंट्रोल कर लिया, जमीन को, हवा को, फिजा को, खलाई स्टेशन जहां बनाए हैं, स्पेस स्टेशन बना लिए हैं। लेकिन कल इंसान को पता चल जाएगा जब जमीन जमीन ना रहेगी, आसमान आसमान वैसा ना रहेगा कि असल हुकूमत तो अल्लाह की है, असल कुदरत और ताकत तो अल्लाह की है, और ये सारे मुजरिम असल हकीकत उनकी सामने आ जाएगी। आज देखें आप दुनिया में क्या होता है कि लोगों की नीयतें कुछ और होती हैं, इंतहाई जालिम होते हैं और ऊपर से इंतहाई मासूम लगते हैं, लेकिन वहां क्या होगा, बरजू, असल दिलों का हाल बेनकाब होके और सारे जुर्मों के साथ लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, कोई छुपा ना रह सकेगा। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, सराबीलहुम मिन कतरान, उनके लिबास गंधक के होंगे, तारकोल के। सराबील सरबाल की जमा, पहना जाने वाला लिबास, कमीज शलवार दोनों के लिए आता है, उर्दू में शलवार भी शायद इसी से निकला है, सरबाल से, लेकिन अरबी में क्योंकि अलग अलग ड्रेस नहीं होता, एक ही लंबा होता है, तो उनका जो ड्रेस होगा लंबा वो किससे होगा, गंधक का। गंधक क्या है? कतरान पिघले हुए तांबे को भी कहते हैं। आज लिबास किस लिए? खूबसूरती के लिए। हर शख्स लिबास, क्योंकि कुरान भी कहता है ना कि तुम्हारा लिबास तुम्हारे लिए क्या है, जीना। या बनी आदम कद अंजलना इलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा, रीशा का मतलब यही है, खूबसूरती है इंसान की। लेकिन कल मुजरिमों का लिबास ऐसा होगा गोया उनके ऊपर पिघले हुए तांबे का पेंट कर दिया गया। कभी आपने कैंडल जलाई और उसका मोम हाथ पे लगा, कैसी तकलीफ होती है, वो तो मोम है, मोम। और यहाँ किसकी बात हो रही है, पिघले हुए तांबे और गंधक की। उसका लिबास वो पहनेंगे, वो जिस्म के साथ चिपक जाएगा, तो जिस्म कैसे लगेंगे, वो खूबसूरतियां कहाँ जाएंगी। और चेहरे, जिसकी इंसान को सबसे ज्यादा फिक्र होती है सजाने और खूबसूरत रखने की, ये पुरानक चेहरे आग में झुलसे हुए होंगे। वतहशा वजूहहुम अन्नार, आग उनके चेहरों पर छाई हुई होगी, वो असल शक्लें नजर नहीं आएंगी, हर तरफ आग ही आग। ये क्यों होगा? लियजज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, लियजज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन, कुल्ल नफ्स मा कसबत, ताकि बदला दे अल्लाह हर शख्स को जो उसने कमाई की, जो भी उसने काम किए। आमाल का बदला है ये लोगों के, जुल्म और जुर्म का। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है, हिसाब लेने में देर ना करेगा। हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये पैगाम है सब लोगों के लिए। क्या उन तक पहुंच गया कि ये होने वाला? हाज़ा बलागुल लिन्नास, अभी तुम्हारे अपने बच्चों को नहीं पता चला, हमारी अपनी नस्लों को नहीं पता चला कि क़यामत का दिन कैसा होगा और क्या होने वाला है उसमें। वलियुंज़रू भी, ताकि वो इससे खबरदार किए जाएं, लोगों को बताया जाए। वलियालमू, और ताकि वो जान लें, इल्म हासिल कर लें, अन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, कि बेशक वो एक इलाह है, कोई शरीक नहीं उसका। वलियज़्ज़क्कर उलुल अल्बाब, और ताकि नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग, साहिब अक्ल, साहिब फहम लोग। तो कुरान क्या है? इंजार के लिए है, इल्म के लिए है, नसीहत के लिए है, गौर व फिक्र के लिए है। तो सूरत इब्राहिम बुनियादी तौर पर एक तरफ नेमत ईमान का जिक्र करती है और दूसरी तरफ नेमत कुफर, और दोनों के फिर नताइज कि कौन शुक्रगुजार होता है और कौन नाशुकरा, और दोनों का फिर अंजाम बताती। और आखिर में मैसेज है सबके लिए कि ये कुरान सब इंसानों के लिए। हाज़ा बलागुल लिन्नास। और इसलिए नहीं कि छाप छाप के रख दिया जाए, सिर्फ बांध दिया जाए। वलियुंजरू बिही, उनको पढ़ के सुना के खबरदार किया जाए। सिर्फ कुरान की कॉपी किसी को देने से काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ एक स्टेप है। वलियालमू, ताकि वो जाने, इल्म हासिल करे कि अल्लाह बस एक है, सब कुव्वत और ताकत उसके हाथ में है। ऐसे में क्या होगा, जिनके अंदर कुछ भी अकल होगी वो इससे नसीहत पकड़ लेंगे। पहले इसकी तिलावत सुनिए। रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।